नमस्कार, जो इसका एक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपखंड में एसडीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही नवनियुक्त उपखंड अधिकारी रामप्रकाश पूर्ण रूप से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद ही एकेएच की औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के बाद एक्टिव मोड पर काम कर रहे एसडीएम ने पहले व्यापारियों के साथ साथ चर्चाएं की। इसके बाद गुरुवार को शहर के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर शहर के विभागों की कार्यप्रणाली तथा प्रगति रिपोर्ट से अवगत हुए। समीक्षात्मक बैठक के बाद शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुबह सुबह बाजार में निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने शहर के दुकानदारों से संक्रमण को लेकर सजग रहने तथा प्रशासन का सहयोग करने तथा गाइडलाइन के अनुसार बिना मास्क वालों को सामान नहीं देने तथा स्वयं को भी मास्क लगाने के लिए पाबंद किया। साथ ही आगामी 2 दिनों तक घोषित कर्फ्यू की पालना हेतु निर्देशित किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी रामप्रकाश होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव रोगियों के घर पहुंचे, जहां पर रोगियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सभी की कुशलक्षेम जानते हुए घर पर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच करवाने की सलाह दी। एसडीएम ने रोगियों से गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित अवधि तक घरों में ही रहने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने अन्य अधिकारियों को रोगियों की समय समय पर सार संभाल तथा उनके लिए उपचार की समुचित व्यवस्थाएं करने तथा निगरानी रखने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने शहर में घोषित 6 माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी लेते हुए क्षेत्रों में की गई व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। होम आइसोलेट कोरोना संक्रमितों से की गई मुलाकात के दौरान एसडीएम रामप्रकाश के साथ तहसीलदार प्रदीप मालवीय तथा नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग में अब से लेकर आगामी कुछ माह में होने वाली सेवानिवृत्तियों को स्थगित करने की मांग की है। पार्टी पदाधिकारियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, जिसके कारण प्रदेश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में प्रदेश भर में पहले से भी चिकित्सा कार्मिकों की कमी बनी हुई है और अभी तक नई भर्ती भी नहीं हो रही है। अगर ऐसी स्थिति में वर्तमान में होने वाली सेवानिवृत्तियों के कारण प्रदेश में चिकित्सा कर्मियों तथा चिकित्सकों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण परिणाम खतरनाक साबित हो सकते हैं। पार्टी पदाधिकारियों ने चिकित्सा कार्मिकों की कमी पूरी नहीं होने तक चिकित्सक मेल फीमेल नर्स की सेवानिवृत्ति की अवधि को बढ़ाने की मांग की है, ताकि रोगियों को समय पर उपचार मिल सके। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रदेश के सीएम से उक्त ज्वलंत मुद्दे पर शीघ्र ही निर्णय लेकर आम जनता को राहत पहुंचाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में महेश कुमार शर्मा, राधावल्लभ माहेश्वरी, कन्हैया लाल खत्री, नीलेश बुरर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। कोरोना 19 का वापस दूसरा दौर चालू हो गया है और ये पहले दौर से भी ज़्यादा खतरनाक है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ जो इस दौरान रिटायरमेंट के नज़दीक है, उनकी सबकी सेवाओं को जब तक ये कोरोना महामारी है तब तक के लिए विस्तारित कर दिया जाए, ताकि जनता को उनकी मेडिकल सुविधाएँ मिल सकें। और यह एक जायज़ मांग है और हमें आशा है कि मुख्यमंत्री महोदय इसके ऊपर गौर करेंगे और इसको जल्दी स्वीकृति प्रदान करेंगे। ब्यावर सिटीजन काउंसिल के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपखंड के नवनियुक्त एसडीएम रामप्रकाश का स्वागत किया। एसडीएम कार्यालय में पहुंचे पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को एक बैम्बो ट्री भेंट कर उनका स्वागत किया। अध्यक्ष डॉक्टर एमएम गोयल के सानिध्य में उपस्थित पदाधिकारियों ने एसडीएम से शहर के विकास तथा समस्याओं पर भी चर्चा की। इस मौके पर उपस्थित सभी ने शहर के विकास के लिए सदैव तत्पर रहने तथा सकारात्मक भूमिका निभाने का भरोसा दिलाया। साथ ही काउंसिल की ओर से किए जा रहे समाज सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए भविष्य में भी प्रशासन ओर से चाहे गए सहयोग को लिए तैयार रहने की बात कही। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर एमएम गोयल ने उपखंड रामप्रकाश की ओर से पदभार ग्रहण करने के साथ ही शहर के विकास तथा समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक शुरुआत करने की सराहना की। गोयल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को उन्होंने टास्क के रूप में ले रखा है और संक्रमण को रोकने के लिए स्वयं बाजार में निकलते हैं और आमजन से मुलाकात कर उन्हें गाइडलाइन की पालना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही बिना मास्क वालों के चालान भी स्वयं ही बना रहे हैं। संस्था महामंत्री विमल चौहान ने उपखंड अधिकारी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्वागत के दौरान अध्यक्ष डॉक्टर एमएम गोयल, दिलीप कुमार जाजू, एसएन शर्मा, श्याम शर्मा तथा महेश महेंद्र कुमार जैन आदि उपस्थित थे। और काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व करना, प्रैक्टिकली उसको डील करना चालू किया है। स्वयं कुछ जाते हैं, कुछ चालान काटते हैं, बात जो पहला उसको प्रेरित करते हैं, मास्क बांटते हैं, जन जन समस्याओं को सभी को सुनते हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है
एक बहुत ही निपुण प्रशासक जावर सरकार ने दिया है और मुझे टेन्योर में जावर बहुत विकास करेगा, विभिन्न पोजिशन का भरसक सहयोग करेगा समय हर काम के अंदर। और वापस जैसे अभी पहले कंट्रेज बांटे थे, बैलेंस बांटे थे कोरोना से लेके, वही हम वापस करेंगे। भारतीय डाक विभाग की ओर से अत्यधिक प्रचलित तथा बोनस देने वाली भारतीय डाक जीवन बीमा पॉलिसी को खरीदने वालों के दायरा बढ़ा दिया गया है। पूर्व में उक्त पॉलिसी को केवल सरकारी तथा अर्ध सरकारी विभाग के कार्मिक ही खरीद सकते थे, लेकिन भारतीय डाक विभाग ने इस दायरे का विस्तार कर दिया है, जिसके तहत अब डायरेक्टर बीईडी एमईडी जेबीटी डिग्री धारी प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्मिक, वकील, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य कई प्रकार के कार्मिक उक्त पॉलिसी के तहत अपना बीमा करवा सकते हैं। और मंडल डाक अधीक्षक वीएस जैन के अनुसार पीएलआई भारतीय डाक विभाग की ओर से 1884 में शुरू की गई थी, जो कि भारत सरकार की सर्वाधिक बोनस देने वाली बीमा योजना है। उक्त बीमा योजना से अधिक लोगों को जोड़ने तथा लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार के डाक विभाग ने इसका दायरा बढ़ाया है। उधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब डाकघर का समय भी सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। अब निर्धारित काउंटर पर दोपहर 2 बजे तक प्रीमियम सहित अन्य राशि जमा करवाई जा सकती है। भारत सरकार भारतीय डाक विभाग द्वारा आम जन की सुविधा के लिए डाक जीवन बीमा को अब कई नए कैटेगरी में भी प्रारंभ कर दिया गया है। पूर्व में केवल जो सरकारी कर्मचारी है वही डाक जीवन बीमा का लाभ ले सकते थे, लेकिन अब बीएड धारी, एसटीसी धारी, एमएड एवं आईटीआई कोर्स धारक तथा जो पत्रकार मित्र है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी, सभी डाक जीवन बीमा का लाभ ले सकते हैं। एनएससी एवं बीएससी में जो लिस्टेड कंपनी है उनके कर्मचारी भी अब भारतीय डाक जीवन बीमा की जो महत्वाकांक्षी योजना है डाक जीवन बीमा, उसका लाभ ले सकते हैं। डाक जीवन बीमा की जो मुख्य विशेषता, मुख्य आकर्षण है कम प्रीमियम, अधिक बोनस तथा एटीसी के तहत आयकर में 1.5 लाख रुपए तक की छूट है, तथा डाक जीवन बीमा में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी दोनों जो योजनाओं का लाभ एक आम आदमी जो इस कैटेगरी में शामिल है वो ले सकते हैं। इसमें जो आपके वकील, सीए, एमबीए और आपके डॉक्टर, नर्सेज, प्राइवेट क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी सभी इस आकर्षक योजना से जुड़ सकते हैं। और भारतीय डाक विभाग की जो पीएलआई की योजना है सन 1884 से निरंतर आम जन के लिए जारी है। मेरा सभी इन कैटेगरी के साथियों से निवेदन है कि वे नजदीकी डाकघर में उपलब्ध हो और डाक जीवन बीमा का सुरक्षित लाभ लें। धन्यवाद सर। जिलाधीश प्रकाश राज पुरोहित शुक्रवार को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर में घोषित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में होम आइसोलेट संक्रमितों के घर पहुंचकर उनके कुशलक्षेम जानी। अजमेर से ब्यावर पहुंचे जिलाधीश राज पुरोहित सबसे पहले उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर आईएएस तथा नवनियुक्त उपखंड अधिकारी राम प्रकाश ने उनकी अगुवाई की। उपखंड कार्यालय में कुछ देर के लिए उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डिप्टी हीरालाल सेरी, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, बीसीएमएचओ डॉक्टर अमित सोनी तथा कोविड-19 प्रभावित शिला टंडन सहित अन्य अधिकारियों से कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु तो उपखंड प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। बैठक के दौरान जिलाधीश ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कोरोना संक्रमितों के उपचारों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए संक्रमितों के उपचार में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ ही भर्ती रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी रखने के निर्देश दिए। बैठक के पश्चात जिला कलेक्टर राज पुरोहित अधिकारियों के साथ शहर के माइक्रो कंटेनमेंट जोन को निरीक्षण किया, जिसके तहत वे कॉलेज रोड स्टेटिया कॉलोनी पहुंचे, जहां पर विगत 3 दिनों से कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संक्रमितों से बातचीत करते हुए उनकी कुशलक्षेम जानी तथा आइसोलेशन के दौरान की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को रोगियों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर नेहरू गेट बाहर स्थित माइक्रो कंटेनमेंट जोन की भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग से कार्मिकों को निर्देशित किया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आने वाले लोगों की सैंपलिंग तुरंत की जावे। इस हेतु कार्मिकों को संबंधित एरिया में भेजकर घर घर से सैंपल एकत्रित करवावे। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के केसेस पूरे इंडिया में, पूरे राजस्थान में, और उसी का असर अपने अजमेर में और ब्यावर में भी देखने को मिल रहा है। केसेस में
बढ़ोतरी हो रही है और जिसको सेकंड वेव कहते हैं वो अपने यहाँ पर भी इन्फेक्ट दिखा रही है। उसके नियंत्रण के लिए जो गाइडलाइन निकाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका रिव्यू करने के लिए यहाँ पे सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग ली थी, जिसमें उपखंड अधिकारी, तहसील के कमिश्नर, नगर परिषद, PMO, मेडिकल के और पुलिस के सारे अधिकारी थे। इसमें प्रभावी नियंत्रण के लिए जो केसेस आ रहे हैं उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर पे आइसोलेशन, उनकी व्यवस्था, सैम्पलिंग, ये सब सुनिश्चित हो। और साथ में जो कर्फ्यू की गाइडलाइन आई है, आपसे इवनिंग कर्फ्यू भी रहेगा लगातार 30 अप्रैल तक 6 बजे तक, उसकी भी पालना हो, इसके बारे में डायरेक्शन दी। उसके बाद कुछ जो केसेज हैं होम आइसोलेशन के, उनका विजिट भी किया और विजिट के बाद अधिकारियों को डायरेक्शन दिए कि प्रॉपर सभी के जो आइसोलेशन है वो प्रॉपर हो, घर से कोई बाहर ना निकले, और साथ में दवाइयाँ भी टाइम पे मिले और जो कॉन्टैक्ट जिन जिन के संपर्क में आए थे उनका भी सैंपल ले लिए थे। ये डायरेक्शन अभी सभी दिखा दें। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। सीएम की घोषणा के चलते सोमवार, शनिवार व रविवार को पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। सीएम की घोषणा की पालना में शुक्रवार शाम 6 बजे से आगामी 59 घंटों तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद हो गया है। शुक्रवार शाम को वीकेंड कर्फ्यू की पालना में प्रशासन तथा पुलिस ने शाम 5 बजते ही शहर में बाजार बंद करवाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने दुकानदारों से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर अपने घर चले जाने की उद्घोषणा की, साथ ही आगामी 2 दिनों तक अपनी दुकानें तथा व्यापार बंद रखने का भी आह्वान किया। उधर आगामी 2 दिनों तक बाजार बंद रहने की घोषणा के बाद शुक्रवार को बाजार में खरीदारों की भीड़ दिखाई दी। किराने तथा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। जानकारी यह भी मिली है कि कुछ जमाखोरों ने तंबाकू तथा गुटखों की कालाबाजारी शुरू कर दी है, जिसके कारण शुक्रवार को ही लोगों को गुटखे तथा तंबाकू आदि महंगे दामों पर खरीदनी पड़ी। शहरी क्षेत्र में कई दुकानों पर गुटखा तथा तंबाकू खरीदने की मारामारी दिखाई दी। उधर 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू का असर मजदूरों में भी दिखाई दिया। शुक्रवार को रोडवेज की बसों में आम दिनों की अपेक्षा यात्री भार ज्यादा दिखाई दिया। रोडवेज बसों में जिले के बाहर तथा स्थानीय रिक औद्योगिक क्षेत्रों से काम करने वाले मजदूरों को अपने अपने घर जाते हुए देखा गया। शुक्रवार शाम को पुलिस तथा प्रशासन की ओर से की गई मुनादी के कारण अधिकांश व्यापारियों ने निर्धारित समय पर अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए, लेकिन पुलिस को फल तथा सब्जी आदि बेचने वाले रेहड़ी संचालकों को मशक्कत करते हुए खदेड़ना पड़ा। उधर शाम 6 बजते पूरा बाजार सुनसान हो गया। बाजार बंद होने के बाद पुलिस की विभिन्न टीमों ने शहर के भीतरी तथा बाहरी इलाकों में गश्त कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सिटी थाने की पूरी टीम मुस्तैद दिखाई दी। साथ ही उपखंड अधिकारी राम प्रकाश तथा तहसीलदार प्रदीप मालवीय सहित अन्य कर्मचारी भी व्यापारियों से दुकानें बंद करवाने में लगे रहे। मालूम हो कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस तथा बैंकिंग सेवाओं के अलावा अनिवार्य आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रि शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, दवा दुकानों, IT कंपनियों, बस और रेल यात्रियों, माल परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग आदि से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होगा। उधर शुक्रवार शाम को प्रशासन की ओर से शाम 5 बजे दुकानें बंद करवाने के दौरान शहर के कई क्षेत्रों में शराब की दुकानें खुली दिखाई दी, जिस पर पुलिस कर्मियों ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें बंद करवाया। जानकारी के अनुसार शहर के सिंधा रोड पर न्यू जगदम्बा वाइन्स एवं करनी वाइन्स तथा SDM कार्यालय के सामने स्थित महाकाल वाइन्स की दुकानें शाम 6 बजे बाद तक खुली दिखाई दी। शहर में बेटों व बहुओं द्वारा एक महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। महिला की सुरक्षा की गुहार को लेकर नारी जन जागृति संस्थान ब्यावर के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी से मुलाकात की है। साथ ही आरोपी बेटे बहुओं के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें पाबंद करने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में संस्थान पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के गणेश नगर हाल मुकाम देरवाड़ा रोड निवासी 71 वर्षीय महिला मनोरमा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद ठाकुर के साथ उसके पुत्र शरद कुमार, संजय कुमार, पंकज कुमार व संतोष कुमार था बहु चंचल आए दिन मारपीट करते हुए जबरन घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पुत्रों व बहू ने उसके साथ धोखाधड़ी की थी। जानकारी पर पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। संस्थान पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी से वरिष्ठ नागरिक महिला की सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही तथा महिला के भरण पोषण की व्यवस्था करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष ममता गुप्ता के अलावा अन्य पदाधिकारी शामिल थे। मम्मी है जगदीश प्लाजा पार्ले जी वालों कैसे हैं। इनके 4 बेटे हैं, संजय वर्मा, संतोष वर्मा, पंकज वर्मा, शरद वर्मा। चारों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। सबके अपने अपने मकान हैं, कोई भी इनको अपने साथ नहीं रखता है। प्रॉपर्टी पे इन लोगों ने धोखाधड़ी से साइन करवा लिए और उससे प्रॉपर्टी लेने के बाद अलग से इनको अलग कमरे में रख रखा है, लॉक लगा के रखते हैं। जब भी मैं मिलने जाती हूँ मेरे से भी माता फोड़ी काटते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनको मारने की धमकी देते हैं।
तो अभी मैं थोड़ी पहले मैं गई थी, मम्मी लॉक में थी, रात को 9 बजे मैं लॉक से निकाल के फिर मैं नायर जम गए थे और फोन किया कि आप आइए मेरी हेल्प करिए, मैं मम्मी को मेरे साथ लेके आ गई। बहुत परेशान है ये और इनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, आपके भरण पोषण का बंदोबस्त। हमारे पास एक केस आया मनोरमा देवी जी का, इनके 5 बेटे हैं, एक बेटा तो बरसों पहले अलग हो गया था पर 4 बेटे इनके साथ रह रहे थे और सारी प्रॉपर्टी जब तक इनके पास थी और इनके पति जीवित थे तब तक तो इन्हें अपने पास रखा और उसके बाद इनको घर से निकाल दिया, अलग किराए के मकान में पटक रखा था और खुद घर के मकान में रह रहे थे और ना इनके खाने के ऊपर ध्यान दे रहे थे और ताला लगा कर रखते थे। तो इनकी बेटी जो है वो हमारे पास आई निरुपमा जी और उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी के साथ मेरे भाई ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। तो हम इनकी मम्मी को आज SDM कोर्ट लेके आए हैं इनके बेटों से भरण पोषण की मांग करने के लिए कि, और बहुएं इनकी जो दो हैं, दो तो टीचर है, एक तो BL गोटी में टीचर है और एक सोसाइटी स्कूल में टीचर है, क्या नाम है, मीरा बघेल इंग्लिश की टीचर है और एक टीचर है जो BL गोटी में है कनकलता SST की टीचर है, वो भी इनकी सेवा नहीं करती है और उल्टा इनके साथ अत्याचार कर रही है, अलग से पटक रहा है। तो हम इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं कि इनके भरण पोषण दे इनके बेटे और इनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, बस यही सब मांग करने के लिए नारी जन जागृति संस्थान से हम सभी लोग आए। शहर के मैरिज गार्डन एसोसिएशन पदाधिकारियों ने शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों को शामिल नहीं करने हेतु संबंधित पार्टी को पाबंद करने की मांग की है। इस हेतु एसोसिएशन पदाधिकारियों ने शुक्रवार शाम को उपखंड अधिकारी रामप्रकाश से मुलाकात की। SDM से की गई मुलाकात के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में अनलॉक वर्जन के बाद शुरू हुई गतिविधियों के तहत मैरिज गार्डन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए कोरोना गाइडलाइन के तहत ही समारोह स्थलों की बुकिंग आदि की थी, जिसके तहत प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग रहा था। पदाधिकारियों ने SDM से इस बार भी शादी समारोह वाली पार्टियों को 50 से अधिक लोगों को शामिल नहीं करने हेतु पाबंद करने की मांग की है। मुलाकात करने वालों में जयप्रकाश बजाज, अविनाश गर्ग, कैलाश गहलोत, मोहनलाल दग्दी, कपिल यादव, महेंद्र कोठारी, राजू साहू, प्रवीण कुमार, राधेश श्याम, मनीष रांका तथा हरजीत सिंह आदि शामिल थे। मैरिज गार्डन एसोसिएशन ब्यावर द्वारा श्रीमान SDM साहब से मुलाकात की और मैरिज गार्डन एसोसिएशन ने SDM साहब को बोला कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसके अनुसार मैरिज गार्डन काम करेगा, जैसे पहले सहयोग किया था मैरिज गार्डन एसोसिएशन ने वैसे अभी भी तत्पर करेगा, क्योंकि जो कोरोना गाइडलाइन है उसके अनुसार सभी मैरिज गार्डन मेंबर्स ने एक ही बात कही है कि हाँ पार्टी भी अपना ध्यान रखे, जो कोरोना गाइडलाइन है उसके अनुसार अपना काम करें जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू। 50 आदमी की परमिशन, बेड वगैरह सब अलग है, 50 आदमी है, 50 आदमी के अकॉर्डिंग सभी मैरिज गार्डन को पाबंद किया गया है और पार्टी को पाबंद किया है। उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे, इसके लिए वार्ड शिविरों का आयोजन किया जाकर अधिक से अधिक लोगों को योजना में पंजीकरण करवाया जाएगा। SDM शुक्रवार को उपखंड कार्यालय में IT सेल के कार्मिकों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान उपस्थित नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया से चर्चा करते हुए SDM ने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वार्ड शिविरों का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए संबंधित वार्ड पार्षदों से बातचीत की जाकर स्थान तथा तिथि तय की जाए ताकि आगामी दिनों में शिविरों का आयोजन किया जा सके। बैठक के दौरान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रोग्रामर गुंजन मोतिया ने, सूचना सहायक अजय अग्रवाल, PRO नवीन कुमार आनंदकर आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसा कि सरकार द्वारा लाया गया है, इसके अंतर्गत हम मंगलवार एवं बुधवार को नगर परिषद कार्यालय एवं उपखंड कार्यालय में विशेष कैंप का आयोजन करेंगे और वहां पर ई मित्रों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसमें हम विशेष तौर पर बार एसोसिएशन के सदस्य, व्यापार मंडल, नगर परिषद के पार्षद गण एवं मीडिया बंधुओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनको पंजीयन करवाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि लोग इसके प्रति प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक यह बात पहुंचे और लोग अधिक से अधिक संख्या में इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले सके।
अखिल राजस्थान सामाजिक अंकेक्षक परिषद की ओर से जवाजा पंचायत समिति की ब्यावर खास तथा देलवाड़ा का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। ब्लॉक संस्थान व्यक्ति बीरम राम भट्ट व रवि सिंह गारिया के अनुसार इस दौरान अप्रैल 2020 से लेकर अब तक के मनरेगा कार्यों की ऑडिट करते हुए भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान ब्यावर खास पंचायत में कानाराम गुर्जर के नारे निर्माण कार्य के दौरान पूर्व सरपंच हरचंद चौधरी की शिकायत पर जांच की गई तो पाया कि पंचायत में 102 श्रमिकों ने प्रपत्र भरकर रोजगार के लिए आवेदन किए गए हैं, लेकिन पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता भ्रष्टाचार वश किसी को काम पर नहीं लगाता है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए इसकी शिकायत जिला कलेक्टर तथा उच्च अधिकारियों को की गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत दिलवाड़ा के कैसरपुरा चारागाह कार्य पर भी एक फर्जी हाजिरी का मामला सामने आया। इस हेतु मेयर सीता देवी के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। शहर की कुमावत कॉलोनी में एक बाल विवाह की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जाने की जानकारी मिली है। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने नाबालिग लड़की के परिजनों को उसका विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया है। जानकारी के अनुसार तहसीलदार प्रदीप मालवीय को एक शिकायत मिली थी कि शहर की कुमावत कॉलोनी में छोटू सेन के परिवार में एक नाबालिग लड़की का 21 अप्रैल को बाल विवाह किया जा रहा है। शिकायत के बाद तहसीलदार मालवीय ने हल्का पटवारी लोकेश मीणा को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए। इस पर हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर शिकायत का सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने पर उन्होंने परिजनों को नाबालिग लड़की का विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर एक्टिव मोड पर आया एसडीएम, होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव रोगियों के घर पहुंचकर जानी व्यवस्थाएं। कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग की सेवानिवृत्तियों को स्थगित करने की मांग, आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पहुंचे ब्यावर, होम आइसोलेट कोरोना संक्रमितों के घर पहुंचकर जाने कुशल क्षेम। और आगामी 59 घंटों के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ हुआ बंद, वीकेंड कर्फ्यू की पालना में प्रशासन ने बंद करवाए बाजार।